आई हैव गिवन अप यूट्यूब की मेरी ग्रैंड मॉम और मेरा झगड़ा बहुत ज्यादा होने लगा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हेमांगी गौड़ और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गौड़ स्पीक्स पर। I have given up YouTubing. Just joking, I'm not giving up YouTubing. बहुत सारे लोगों ने मुझे आके पूछा है, friends, family, subscribers, neighbors, people that I don't know and used to watch my video, which I was very shocked to know कि लोग मेरा वीडियो देखते हैं। मुझे पूछ रहे थे कि आपका नया वीडियो कब आएगा और क्यों आपने वीडियो अपलोड करना बंद कर दिया है। मुझे बंद नहीं करना था, ना ही मैं करने वाली हूँ, वो तो मजबूरी में मुझे फोर्सफुली बंद करना पड़ा, टेम्पररीली, परमानेंट नहीं है। और यही आज का वीडियो होने वाला है, जस्ट टू शेयर कि इतने महीनों में मेरे साथ क्या हुआ। जैसे आपको पता है, मैं रेगुलरली अपने यूट्यूब वीडियोज, रील्स और जस्ट शॉर्ट्स डालने भी शुरू किए थे। ये सब वीडियोस मैं रेगुलरली डालती थी, दैट वर 3 वीडियोस एवरी वीक। वीडियो शूट किए थे पर वो अभी तक एडिट हुए नहीं है, क्योंकि जब मैं वीडियो अपलोड करने वाली थी, क्या हुआ, देयर वाज अ फैमिली इमरजेंसी ड्यू टू व्हिच मुझे ये पूरा यूट्यूब का प्रोसेस, आई हैड टू कीप इट असाइड। और मैं इतना सारा मल्टीटास्किंग नहीं कर पा रही थी और मुझे लगा कि राइट नाउ This can be on a hold, but what needs my attention right now is my family. So basically, मेरे पास footage है, image consulting related videos, vlogging, बहुत सारा footage है मेरे पास, बस मुझे editing का वक्त नहीं मिला है। Almost 1.5-2 months हो गए family के साथ, family का कुछ काम करते करते मुझे कुछ भी समय नहीं मिला ये वीडियोस एडिट करने के लिए। फिर पोस्ट दैट मुझे पूना जाना पड़ा। आई गिव यू अ बैकग्राउंड स्टोरी ऑफ पूना। ओके, एक तो मैं पूना बहुत सालों से गई नहीं थी, एंड व्हेन आई वाज सपोज्ड टू गो टू पूना, कोविड चालू हुआ एंड आई लिव विद माय ग्रैंड मदर, तो इट वाज वेरी डेंजरस फॉर मी टू ट्रैवल ड्यूरिंग कोविड। और कोविड के समय आई लॉस्ट 3 ऑफ माय रिलेटिव्स इन पूना, एंड मैं फिजिकली उधर जा नहीं पाई बिकॉज आई वाज सपोज्ड टू टेक केयर ऑफ माय ग्रैंड मॉम एंड I couldn't say goodbye to my relatives. So that was one of the reasons मुझे पूना जाना था, number 1 reason that, और number 2 reason ये था, मेरे cousin को उसका घर सेटअप करने के लिए मदद चाहिए था और मैं उससे सालों से नहीं मिली थी, तो definitely I was looking forward to go to Pune, और मुझे लगा कि you know mentally also मेरे लिए एक अच्छा ब्रेक रहेगा। मुझे जाना तो पूना सिर्फ वीकेंड के लिए था, फ्राइडे सैटरडे संडे एंड मंडे मॉर्निंग आई वाज गोइंग टू बी बैक, लेकिन बारिश के वजह से व्हाट हैपेंड इज वो ऑलमोस्ट 2 weeks एक्सटेंड हो गया, सो ऑलमोस्ट हाफ अ मंथ उधर ही खत्म हो गया। बट पुणे वाला फुटेज भी मेरे पास है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आपको को लग रहा होगा अरे सो व्हाट, मुंबई पुणे तो इज सो क्लोज, बट जेन्युइनली ना कोई उबर बुक हो रहा था, उबर तो आई डोंट लाइक टू ट्रैवल इन क्योंकि मुझे बहुत अनसेफ लगता है उबर में ट्रैवल करना, मुंबई पूना पूना मुंबई, बट शिवनेरी या कोई भी दूसरी बसेस जा नहीं रही थी, प्राइवेट बसेस भी नहीं जा रही थी, एंड आई थिंक बीच में कोई ब्रिज भी टूट गया था, आई डोंट रियली रिमेम्बर, पर या आई वाज स्टक देयर। जब मैं पूना में थी तभी मुझे 2 कॉलेजेस और 2 और कोई क्लाइंट्स के फोन आए थे फॉर इमेज कंसल्टिंग एंड बेसिकली अदर प्रोजेक्ट्स, और उसका प्रेपरेशन करते करते बहुत टाइम लग गया। हाँ, बट अ लॉट ऑफ माय फैमिली मेंबर्स टोल्ड मी सो व्हाट, आप यूट्यूब भी कर सकते थे और आप ये भी कर सकते हो, आई मीन यू कुड हैव मैनेज्ड एंड ऑल ऑफ दैट, बट टू बी वेरी फ्रैंक आई वाज नॉट एबल टू बैलेंस फॉर क्वाइट अ लॉट ऑफ रीजंस, लाइक वो बैंडविड्थ भी होना चाहिए। मुझे ऐसा लगने लगा कि यार 12 घंटे ही होते हैं पूरे दिन में, लाइक आई एम अवेक ओनली फॉर 12 आवर्स। मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे इतना काम है कि मुझे वो 12 आवर्स भी कम लगने लग गए। इट फेल लाइक 12 आवर्स इज लेस बट माई वर्क इज सो मच, एंड दैट फीलिंग इट सेल्फ वॉज सो ओवरवेलमिंग। हुआ कि काम बढ़ रहा था पर मैं अकेली थी हैंडल करने के लिए, और काम बढ़ रहा है, स्पेस छोटा हो रहा है, इन एडिशन टू दिस देर इज वन मोर सरप्राइज प्रोजेक्ट दैट आई वॉज वर्किंग ऑन, इसके लिए मुझे वापस टाइम नहीं मिल रहा था टू एडिट, आई एम स्टिल एडिटिंग दोज वीडियोज, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। यू नो, मैं उस प्रोसेस में थी जहां पे मैं फिगर आउट कर रही थी कि क्या करूं और कैसे करूं, अ लॉट ऑफ थिंग्स वर हैपनिंग इन द बैकग्राउंड कि मैं फोरग्राउंड में ही नहीं आ पाई। ये तो रही अब तक की कहानी से
टू एंड हाफ थ्री मंथ्स की। फिर आता है मेरे मेन परेशानी के बारे में, जो मुझे पता है बहुत सारे लोग बोलेंगे, अगर आप में जिद हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, यू कैन अचीव एनीथिंग, वो सब मोटिवेशनल कोट्स मेरे ऊपर फेंकेंगे, बट जिसको करना होता है काम उसको ही समझ में आता है कि उस पर क्या गुजर रही है। आई नो इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग, बट जेन्युइनली मैं इस सिचुएशन में फंसी हूँ। काम मेरे पास था, हूं मैं एक आदमी, वन मैन आर्मी, आर्मी भी नहीं, टीम का टी हूं मैं सिर्फ, आई एम माई ओन टीम। मुझे बहुत सारी चीजें बैलेंस करनी है, टाइम मैनेज करना है, और स्पेस मेरे पास बहुत कम है। आई लिव विद माई ग्रैंड मॉम और आई एम इन सच अ सिचुएशन कि मेरी ग्रैंड मॉम और मेरा झगड़ा बहुत ज्यादा होने लगा, क्योंकि पहले तो मैं बस एक नहीं आधा रूम यूज करती थी फॉर कैजुअली सीरियस लाइफ, फिर वो बड़ा यूट्यूब के लिए, धीरे धीरे करके आई हैव ऑलमोस्ट टेकन ओवर 65% ऑफ द हाउस अकॉर्डिंग टू मी। ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू माई ग्रैंड मॉम इट्स 75-80%। ऑब्वियसली कोई भी चिढ़ेगा अगर उनको खुद का स्पेस नहीं मिलेगा तो, एंड माई ग्रैंड मदर इज नॉट रॉन्ग, इनफैक्ट उन्हें भी समझ में आता है कि वट एवर आई एम डूइंग आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, और वो मुझे पूरी तरीके से सपोर्ट करती है, विच आई रियली लव अबाउट हर। जेन्युइन प्रॉब्लम है स्पेस का, काम ज्यादा स्पेस कम। तो आई शेयर की एग्जैक्टली स्पेस के हिसाब से व्हाट एम आई गोइंग थ्रू राइट नाउ, सो दैट यू गेट एन आइडिया की एग्जैक्टली हो क्या रहा है मेरे साथ। तो अभी मैं मेरे घर के बाहर हूँ और मेरी ग्रैंड मॉम के कंप्लेंट्स और व्हाट आई फील अबाउट द होल सिचुएशन। तो जब कोई भी इंसान एंटर करता है मेरे घर पे तो उसका पहला नजारा होता है ये, और ये है मेरा, मम्मी बोलूं आपको बिछा। तो जब घर पे कोई भी गेस्ट एंट्री करता है ये बेहद खूबसूरत क्लोथ्स रैक उन्हें दिखता है एंट्री पे। जस्ट जोकिंग, मेरी दादी कहती है कि कितना गंदा इंप्रेशन लोगों पे पड़ता होगा जब वो लोग अपने घर पे आते होंगे, एंड आई टोटली अग्री विथ हर। इसमें से सब शूज मेरे हैं, फिर है ये सॉक्स का डिब्बा, इसके अंदर भी शूज है। ये जो चार्ट पेपर के रोल्स हैं, ये त्रिशा ने बनाए हुए बैकड्रॉप्स हैं, जो मैं यूज करती हूँ शूटिंग के वक्त। फिर है ये ट्राइपॉड, ये है शूज वापस, योगा मैट, विच रियली डजंट मैटर इतना, बट हाँ लाइक शूज भी उधर होना, भगवान का फोटो भी इधर है, एंड ये बहुत हॉचपॉच गंदा और अननीड अनऑर्गेनाइज लगता है, जो एक्चुअली मैं हूं नहीं, पर व्हेन यू डू सो मच ऑफ शूटिंग और आप इतना बाहर जाते हो तो होता है, मतलब इतना समझ जाओ हो जाता है। एंड दिस इज जस्ट द पैसेज, जैसे आप पैसेज में से बाहर निकलते हो, दिस इज द हॉल। आई एम नॉट गोइंग टू शो माय ग्रैंड मॉम, या मुझे बहुत डांटने लग जाएगी। और ये मेरे डैड का कबर्ड हुआ होता करता था, पर दिस आल्सो आई हैव टेकन, सो कब्जा नंबर टू। बेसिकली ये मेरे एरिया होना ही नहीं चाहिए था, ठीक है। राइट साइड में मेरा किचन है, वॉशरूम है, और जब हम लोग एंट्री करते हैं दिस इज द बेडरूम। आइडियली मेरी ग्रैंड मॉम ने इधर सोना चाहिए, पर उनके हिसाब से मेरा इतना कचरा होता है कि उन्होंने बोला है कि मैं बाहर ही सोऊंगी, तू इधर सो एंड यू वर्क योर, क्योंकि ये स्पेस ज्यादा है। ऐसे ही बेडरूम में एंटर करते हैं, ये जो आटे की चक्की है ना, उस जगह को भी मैंने नहीं छोड़ा, उस पे भी मैंने कब्जा कर लिया है। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने मेरे पूरे मेकअप का सामान इधर डंप कर दिया है, और ये अनऑर्गेनाइज लग रहा है, इनफैक्ट है, क्योंकि मेकअप इतना ज्यादा है, क्योंकि वो चक्की पे फिट ही नहीं हो रहा है। इट्स ऑलवेज अ मेस, फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव केप्ट इट क्लीन, वो भी क्योंकि वीडियो शूट करना था। अगेन जैसे कि आप इधर देख सकते हो, मैंने इस प्लाई का भी पूरी तरह से उपयोग किया है, दिस इज बैकड्रॉप नंबर टू। फिर अगेन इस कबर्ड में कपड़े हैं, इमिटेशन ज्वेलरी है, प्रोडक्ट्स हेयर एक्सेसरीज, स्किन केयर के प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीजें हैं। इसके नीचे है मेरे सब इलेक्ट्रॉनिक्स और लाइटिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेट्रा।
इसके अंदर है मेरे बैग्स, बुक्स, हैंगर्स जो मैं कैरी करती हूँ जब मैं वर्कशॉप्स के लिए जाती हूँ। छोटा सा बैठक, मतलब सीटिंग अरेंजमेंट बनाया है जहाँ पे मैं बैठ के अपने स्क्रिप्ट्स लिखती हूँ। बट इसका एक मेजर इश्यू है कि मैं स्क्रिप्टिंग और शूटिंग एक टाइम पे नहीं कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरा बैकग्राउंड क्या है मैं आपको दिखाऊंगी। इसके पीछे जो पुली टाइप बनाया है, जब इसको नीचे डालते हैं तो ये पूरा व्हाइट बैकग्राउंड बन जाता है। इन एडिशन टू दिस, ये जो रिंग लाइट है वो भी उधर ही रहता है या मैं बाहर पैसेज में रखती हूँ। और हाँ, मेरा जो टू डू लिस्ट या जितने भी आइडियाज हैं वो चिपकाने के लिए जो नोटिस बोर्ड होता है वो मेरे पास नहीं है और मैं इधर फिक्स भी नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज अल्टीमेटली दिस इज माई ग्रैंड मॉम्स हाउस एंड आई डोंट वॉन्ट टू कॉज एनी इनकन्वीनियंस। तो मैंने ये कार्डबोर्ड होता है, पुट्ठा होता है, पुट्ठे के ऊपर डबल साइडेड टेप लगा के उसके ऊपर आई यूज टू स्टिक थिंग्स, पर वो स्टिक ही नहीं हो रहा था और अपने आप गिरने लगा, तो आई हैव टोटली गिवन अप ऑन इट। तो बेसिकली इतने छोटे जगह में इतना क्लटर है कि मेरे माइंड में भी वो क्लैरिटी नहीं आती है जल्दी। आई मीन कि मेरा माइंड भी बहुत क्लटर्ड फील करता है और फिर आई कांट बी क्रिएटिव इन सच अ स्पेस, तो बहुत डिफिकल्ट हो गया मैनेज करना। और ये है स्टेशनरी स्टफ एंड दिस इज हेयर प्रोडक्ट्स और वो सब, और उसके अंदर भी थोड़ा मेकअप है, इस्त्री है। कोई भी अगर नया इंसान घर पे आता है उनको बस कपड़े दिखते हैं, जूते दिखते हैं, ऐसे बोलते हैं कि ऐसे घर में जो इतना क्लटर्ड हो उसमें लक्ष्मी भी नहीं आती है। पर माई ग्रैंड मदर ऑल्सो अंडरस्टैंड कि इसके अलावा क्या, मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है एंड शी इज ट्राइंग हर बेस्ट। पर मुझे भी ऐसे लग रहा है समवेयर डाउन द लाइन कि मैं बहुत ज्यादा उनका बेनिफिट ले रही हूँ या यू नो आई एम पुशिंग हर चार महीने मेरे इन सब चीजों में ही चले गए। आई एम डूइंग यूट्यूब वीडियोज, बस ये थोड़ा टेम्पररी पॉज आया था विच वॉज अनवॉन्टेड बट मजबूरी। और इन सबके बीच में मतलब आई हैव अ माइग्रेन इश्यू एंड आई हैव अदर हेल्थ इश्यूज ऑल्सो विच आई एम नॉट कम्फर्टेबल शेयरिंग, बट वो बीच में आता जाता रहता है एंड इसके लिए इट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट, बट दैट आई हैव ऑलरेडी लाइक ओवरकम। लाइक आई डोंट अलाउ सच थिंग्स टू कम इन बिटवीन माई वर्क, बट वेन इट बिकम्स अनकंट्रोलेबल द पेन, तो ओनली देन मतलब आई स्टार्ट लैगिंग बिहाइंड। येस, दैट टेम्पररी फोर्स्ड ब्रेक इज ऑलमोस्ट ओवर। आई एम टोटली डूइंग यूट्यूब एंड आई एम ऑल्सो डूइंग इमेज मैनेजमेंट, इमेज कंसल्टिंग वर्कशॉप्स। विल बी सीइंग मोर ऑफ मी ऑन माई यूट्यूब चैनल गॉड स्पीक्स, जहाँ पे मैं एवरी वीक वीडियोज डालती हूँ ऑन इमेज कंसल्टिंग एंड ऑल्सो आई व्लॉग। तो देखते रहिए, अंटिल नेक्स्ट टाइम, टाटा।